तो दोस्तों, क्या आपको हॉरर मूवी से डर लगता है या फिर आपको ये भूत प्रेत काला जादू से रिलेटेड मूवीज पसंद हैं? तो इस वीकेंड आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सिनेमा अपनी बाहें फैलाए थिएटर्स में आपको न्योता दे चुका है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर माधवन और अजय देवगन स्टारर फिल्म शैतान की, जो सिनेमा हॉल्स में ऑलरेडी दस्तक दे चुकी है। और इसके फर्स्ट टीजर से लेकर ट्रेलर तक डर का इतना ज्यादा हवा हमारे दिमाग में ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था कि हमें तो बस यही लग रहा था कि थिएटर में जाने से पहले हमें कोई काला धागा बांध लेना चाहिए। पर फिल्म के मेकर्स यहाँ पे हमारे साथ खेल गए, क्योंकि ये फिल्म रामनी तो है ही नहीं। क्योंकि थिएटर में घुसने के बाद बगल में बैठी दीदी के मन में क्या चल रहा था वो तो नहीं पता, पर मेरे हिसाब से बहन डर गई। कुछ कुछ सीन में आपको थोड़ा डर लगेगा, पर इतना भी नहीं कि आप मूवी देखते देखते ठीक से पॉपकॉर्न भी ना खा सको। दोस्तों, इस वीडियो में फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि जितना टीजर और ट्रेलर में दिखाया गया है फिल्म में भी एग्जैक्टली उतना ही है। कबीर और उसकी पत्नी अपनी बेटी और बेटे के साथ फार्म हाउस जाते हैं वेकेशंस मनाने, और अचानक से वहां आ धमकता है वनराज, जो मोबाइल फोन चार्जिंग करने के बहाने घर में घुसता तो है पर कबीर की बेटी को अपने वश में करके उससे जो जो हरकतें करवाता है और घर में जो तांडव करवाता है उसके सामने कबीर यानी कि अजय देवगन बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। इस फिल्म के कई सारे शॉट्स में अजय देवगन को देखकर आपको विजय सलगांवकर की झलक भी दिखेगी, जिससे आपको कहीं ना कहीं दृश्यम की याद भी आएगी। पर दिल तो वाकई जीता है आर माधवन ने अपनी एक्टिंग से, जो कि वनराज के किरदार में इतने खतरनाक लगे हैं, जिसकी वजह से फिल्म के कई सीन्स पे वो एक्टिंग वाइज अजय देवगन पर भारी भी पड़े हैं। हालांकि फिल्म की कहानी का एक थोड़ा सा हिस्सा फिक्शनल है, जिसे कि सुपरस्टिशन और रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके माधवन का वनराज कैरेक्टर डेवलप किया गया है, पर शायद उनके किरदार को और भी ज्यादा डिटेलिंग में लिखा जा सकता था। मतलब वनराज के बैकग्राउंड के बारे में हमें ज्यादा कुछ बताया नहीं गया, जिसकी वजह से मुझे कैरेक्टराइजेशन में डेप्थ की थोड़ी सी कमी लगी। पर आर माधवन ने इस कमी को अपनी एक्टिंग से पूरा कर दिया। इस फिल्म की एक और बड़ी हाईलाइट है जानकी बोदीवाला, जिन्होंने इस फिल्म में अजय देवगन की बेटी का किरदार निभाया है, जिन्होंने ये सेम रोल 2023 की गुजराती फिल्म वश में भी किया था, और उनकी एक्टिंग इतनी शानदार है कि वो परफेक्ट कास्ट लगी मुझे वाकई एक बार फिर से इस फिल्म वश के हिंदी रीमेक शैतान के लिए। और साथ ही साथ साउथ की एक्ट्रेस ज्योतिका ने भी अजय देवगन की पत्नी और एक माँ के रूप में जितनी भी परफॉर्मेंस दी वो शानदार थी। इस फिल्म का सारा खेल इसके BGM यानी कि बैकग्राउंड स्कोर का है, जो वाकई ग्रिपिंग और इंटेंस है और आपको स्टोरी से बांधे रखता है। थोड़ा सा ड्रामा ऐड करने की वजह से स्क्रिप्ट कहीं कहीं थोड़ी सी खींची हुई लगेगी आपको बीच में, जो कि शायद इस फिल्म का एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। और ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स की बात करूं तो मैं दूंगा इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार, जो कि मेरे हिसाब से इस फिल्म को एक सेमी हिट की कैटेगरी में लाता है। पर अपनी ऑडियंस माई बाप है, जो चाहे वो फैसला करेगी। तो दोस्तों, आप बताओ कि आपने ये मूवी अब तक देखी है या नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।